हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आई होप आप लोग सही हो। तो भाई 2 मिनट लगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई आज का दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम अपनी ज़िंदगी की फर्स्ट बाइक लेने वाले हैं। लेट्स सी, वो आप लोग को मैंने अभी तक बताया नहीं कि कैसी होगी, और ना इससे पहले आप लोग मैंने आप लोग को हिंट दिया कि मैं कोई बाइक भी परचेज करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक बाइक परचेज कर रहा हूँ जो हमारे व्लॉगिंग के काम ही आएगी। तो आप लोग समझ सकते हो, मोटो व्लॉग आपको आगे देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप लोगों को मोटो व्लॉग चाहिए तो कमेंट करके मेरे को बता दो। फिलहाल अभी एक बार चलते हैं मंदिर, उसके बाद जाएंगे बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। तो स्टे ट्यून रहना और देखना कौन सी बाइक ली है। बहुत सोची समझी फिर ली है वाली बाइक। सो चलो मंदिर चलते हैं। तो चलो भाई, अब आप लोगों से मंदिर पहुंच के फिर मिलता हूँ। आज हम इसकी गाइस इसकी बाइक के लिए हेलमेट लेने आए हैं। ये देखो, पहला हेलमेट ट्राई कर रहा है। ये पहला हेलमेट ट्राई कर रहा है। कितने का है? मॉडल कौन सा है? कौन सा मॉडल है? सुपर हीरो 1350 ग्राम और ये देखो, ये पहला हेलमेट ट्राई कर रहा है। और भी इसमें कलर नहीं मैं इसी मॉडल में कलर मिलेंगे। मॉडल यही रहेगा। कलर बाकी वगैरह पेंसिल तो अभी हमने ये वाला हेलमेट देखा है। सही लग रहा है पहनने में? तो वो तो मुंह तो टाइट रहना ही चाहिए। वो तो टाइट रहोगा ही, मुंह तो निकल है ना। कमेंट करके बता दो भाई कैसे लग रहे हैं हेलमेट, या फिर और कोई कलर भी देखे इसका, और कोई कलर भी दिखा दो भैया इसके अगर है तो। वैसे तो अभी तक तो यही पसंद आ रहा है। एयर वेंटिलेशन, हाँ एयर वेंटिलेशन है ना, ऐसे पीछे से निकलता। ये हमारा मेन पर्स है भाई, इसमें वो चाहिए हमें जो ये फोम वाली है ना, इसके अंदर का ये रिमूव हो जाए और वॉशेबल वगैरह मतलब कर सके इसी। तो चलो अभी और बाइक कलर देखते हैं, अच्छा लगता है फिर उसके बाद चलते हैं एक बार शोरूम पे। शोरूम पे बाइक रेडी होने वाली है भाई। अभी हम लोगों ने ये वाला हेलमेट ले लिया, वेगा का कैप ले ली, सुपर हीरो। और हम लोगों ने एक ये कैप भी लिया, ये वाली जो सर पे पहन सकते हैं, ले ले जाते जिससे बाल डैमेज होते हैं। और दो ये देखे थे, लेकिन इनसे ज़्यादा ग्लोव्स में है ना, और बाइक मैट में, तो हमें ये वाला पसंद आया मैट वाला। पैक करना है, पैक क्या करना है अभी, पहन के जाना है क्यों? तो अभी चलते निकाल लेंगे। चलो चलो भाई, चलते शोरूम पे। लेट्स सी बाइक हमारी रेडी हो गई नहीं हो गया। ये कैप ज़्यादा यूजेबल है, क्योंकि भाई अगर लॉन्ग ट्रिप पे अगर आप पहनते हो तो आपके बाल डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो वो इस चीज़ में आप लोग कर सकते हो। दिखा दे भाई जतिन एक और बार हेलमेट। ये हेलमेट है, सबको यही पसंद आया। जतिन को रेड वाला पसंद आता, लेकिन फिर बाइक मैट कलर में तो ग्लोव्स लेने का फायदा नहीं है। अगर ग्लोव्स में होती तो ग्लोव्स आ जाओ। अभी शोरूम तो पहुँच चुका है। लेट्स सी हमारी बाइक रेडी हुई या नहीं हुई। और भाई क्या हाल है? देखो भाई वो रही सामने को भाई, ये आपका बिल हो गया, ये आपका इंश्योरेंस हो गया, ये आपकी डेट आ गई 23 जुलाई 2023 से 2023, ये आपका आ गया थर्ड पार्टी का, ये आपका 0 डेट 2023 से 2024, ये हमारा भी जो इंश्योरेंस 0 डेट का, हाँ 0 डेट हो गया आपका। उसके बाद आपका आ गया आर एस सी रोड साइड असिस्टेंस का। इनकेस अगर कभी गाड़ी ख़राब होती है ना, तो आपको इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। ऑल ओवर इंडिया पे कुछ? ऑल ओवर इंडिया। अगर बाइक पंचर भी हो जाएगी या फ्यूल भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपको 1 साल में 6 सर्विस फ्री दी जाती है, ये आपका पूरा हुआ है। इसमें आपकी 15 लाख की पॉलिसी है, जो हम नॉमिनी देते हैं,
हो, इनके अगर राइडर को एक साल में कुछ हो गया उसके बिहार पे 15 लाख की पॉलिसी नॉमिनी के नाम पर रहती है। अच्छा, जो भी हमने नॉमिनी का, हाँ हाँ, जो आपने नॉमिनी में ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आपके कैश से शिफ्ट हो गए, इसमें इसी में आपकी सर्विस बुक हो गई। सर्विस का तो वही है, फर्स्ट सर्विस होगी वो उसकी नेक्स्ट सर्विस जो भी वो होगी आपकी 4,000 तो भाई आप लोगों को दिखाते हैं हम लोगों ने कौन सी बाइक परचेज करी है। पहले R1 की सोच रहे थे लेकिन ये वाली है इसके नीचे, अभी सरप्राइज है, अभी 2 मिनट आप लोगों को दिख जाएगी वो कौन सी है। ले भाई जतिन जाना, आप देखिए अभी अभी हो रही है, आ जाओ जल्दी, अभी हेलो बाइक की डिलीवरी है ले रहे हैं। ये आ गई अपनी न्यू बाइक। अंकित भाई कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? FZX Yamaha की पहली बाइक है, भाई की पहली बाइक है फाइनल ये देख लीजिए, ठीक है। तो भाई ये वाली बाइक है, क्लोज से देख लो पूरा, तो मैं आप कमेंट में जाकर बताना आप लोगों को बाइक कैसी लगी। बाकी इसका राइडिंग पोस्चर और कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा सही है, बाकी जितनी भी बाइक्स अभी यामा में करंटली उन सबसे काफ़ी ज़्यादा सही है। पहले हम लोगों ने R15 भी देखी, लेकिन R15 में यार कंफर्ट में कोई इतना सा भी नहीं लगा, ठीक है शौक शौक के लिए थोड़ा बहुत चलाने हो तो बढ़िया है बाइक, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नॉट अ प्रैक्टिकल बाइक। ये अच्छी है, 10 लीटर अप्रोक्स, 10 लीटर की टंकी है तो 10 लीटर अप्रोक्स आया। ओके करूँगा तो चलो भाई अब इसको लेके चलते हैं, एक बार पहले हेलमेट की शॉप पे चलते हैं, हमें थोड़े बहुत डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए, ठीक है। हमने बाइक तो उठा ली अपनी, अब हम लोग एक बार आए हुए हैं लेंसकार्ट के शोरूम पे, यहाँ से कुछ स्पेक्स वगैरह उठाने जतिन को चाचा और मोहित के, वो उठाते हैं फिर मिठाई कर लेते हैं देन घर पे चलते हैं भाई। लेकिन कुछ बोलो, जितने अभी तक मैंने चलाई है राइडिंग पोस्टर भाई काफ़ी ज़्यादा सही है और कंफर्टेबल, मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है अभी तक तो, तो अभी तक तो कोई रिग्रेट नहीं है कि भाई इसको मैंने क्यों दिया। बाकी इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बना दूंगा आप लोगों को बताने के लिए कि मेरे को ये बाइक ओवरऑल लगी कैसे और मेरे को ये पसंद क्यों आई। अभी फ़िलहाल चलते हैं घर पर देन आप लोगों से मिलते हैं। चाबी की इधर है, तेरे तुझे पागल है, पूछ लगा है धूप आ जा, आ जा आ जा हटे मुंह नोस तरह कर लो, धूप है, बस 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 ठीक है, कर दी कर दी कर दी मैं फिर का देखो लाइट कर नीचे राम लिख रहा हूं, राम लिखो राम वो है, जय श्री राम, जय श्री राम। माँ भी अड़ी आ रही है, सुन बना है बहुत, हेलमेट किसा है, मारुति लग लगा दो अंबिकर का है, बाइक के मालिक का तो बराबर है, आजा भाई ले ले ले, ओए कार्टून इस धूप में चली गई ना, आंख खुल गई भाई, बाइक आ गई फाइनली घर पे, मजा आ गया ना मेरा पार्टनर गुट्टी के साथ कई दिन।